स्वामी जी को प्रणाम। हर हर महादेव, हर हर महादेव, जय हो आपके। स्वामी जी, मेरे को बस एक प्रश्न करना है आपसे। जी आपके पास यदि दो विकल्प हो, यदि आपको पृथ्वीराज चौहान वाली मैं स्थिति बता रहा हूँ, यदि आपको जयचंद और मोहम्मद गोरी की दुश्मनी, जयचंद की दोस्ती और मोहम्मद गोरी की दुश्मनी, दोनों में से कोई एक चीज चुननी हो तो आप क्या चुनेंगे? जयचंद की दोस्ती को चुनूंगा। जयचंद जैसे तो दोस्त बहुत कम है। पृथ्वीराज चौहान ने गद्दारी करी है, जयचंद की क्या गलती है भाई? दासना देवी मंदिर के महंत यति नरसिंहानंद सरस्वती फिर चर्चा में है। मुसलमानों या मुगलों पर दिए किसी बयान की वजह से नहीं, बल्कि हिंदू राजा पृथ्वीराज चौहान पर अपने निजी और आलोचनात्मक राय जाहिर करके। दोस्तों, यति नरसिंहानंद सरस्वती का एक और वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इसमें वो पृथ्वीराज चौहान और जयचंद के लिए ऐसी टिप्पणियां कर रहे हैं जिन्हें सुनकर लोग भड़क गए हैं और सोशल मीडिया पर बवाल खड़ा कर दिए हैं। जयचंद की दोस्ती को चुनूंगा। जयचंद जैसे तो दोस्त बहुत कम है। पृथ्वीराज चौहान ने गद्दारी करी है, जयचंद की क्या गलती है भाई? पृथ्वीराज चौहान और जयचंद जो है सगे मौसेरे भाई थे, बिल्कुल सगे मौसेरे भाई, एक ही नाना के दोनों देवते थे, दोनों गुरु भाई थे, एक ही आश्रम में रहकर पढ़े। जयचंद जो है हमेशा ही पृथ्वीराज चौहान का जनरल था। जब भी पृथ्वीराज चौहान कहीं लड़ने जाता था, जयचंद को बुला लेता था, जयचंद पृथ्वीराज चौहान के साथ रहता था। एक दिन 65 साल के पृथ्वीराज चौहान जो है जयचंद के घर गए। उन्होंने 13 साल की उसकी बेटी थी संयोगिता, जयचंद की बेटी पृथ्वीराज चौहान ने देखी और वो इतनी बड़ी गद्दारी जयचंद के साथ पृथ्वीराज चौहान ने की कि उसने उसकी बेटी का अपहरण कर लिया और उसके बेटे का, उसका बेटा नहीं था जयचंद का, मुंह बोला बेटा था लाखन, उसे बुला के धोखे से मार दिया। अब एक अपने भाई की, छोटे भाई की बेटी का अपहरण कर लोगे और उसके बेटे को मार दोगे, फिर क्या उम्मीद करते हो तुम? और जयचंद ने कहीं भी गौरी की सहायता नहीं करी एक भी जगह, लेकिन लड़ाई से चला गया जयचंद, लड़ाई को छोड़कर चला गया जयचंद, पृथ्वीराज चौहान के साथ नहीं लड़ा। जयचंद जैसे दोस्त दुर्लभ होते हैं भाई। ये तो कायर हिंदू है, कमीने हिंदू है जो केवल राजाओं की वाह वाह करते हैं, राजाओं की वाह वाह के सिवा। आप भाटों का लिखा हुआ इतिहास पढ़ रहे हैं? भाट जो पैसे देकर अपने राजा के लिए लिखते थे, जब असली इतिहास पढ़ेंगे ना तो पृथ्वीराज चौहान, अब मैं कुछ कहूंगा तो लोग बकवास करने लगेंगे, सारी गलती पृथ्वीराज चौहान की थी, सारी की सारी गलती। अपने जितने भी राजपूत थे सबको मार दिया, मोहम्मद गौरी को नहीं मारा, उसे बार बार छोड़ता रहा। तो जयचंद की दोस्ती तो भैया बेमिसाल दोस्ती है। ये तो जयचंद इन कमीने हिंदुओं में पैदा हुआ जो बहादुरों को गाली देते हैं दलाली की वजह से, गुलामी की वजह से। जिस दिन अपनी गुलामी की आदत को छोड़ दोगे और मानवीय गुणों के आधार पर फैसला करोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि जयचंद कितना महान व्यक्ति था, जिसे इतिहास ने जिसके साथ इतना अन्याय किया केवल इसलिए कि गुलामी की आदत है हिंदुओं को। दोस्तों, ये वीडियो जैसे ही वायरल हुआ तो लोगों ने सोशल मीडिया पर जमकर बवाल काट दिया। इसी पर एक ट्विटर यूजर सुनील सरन लिखते हैं, यही बात अगर कोई दूसरा नेता या कोई मुसलमान कह देता तो अभी तक क्या से क्या हो जाता। दोस्तों, देश में गुजरात और हिमाचल में चुनाव का समीकरण ही बदल जाता, लेकिन देखो अभी ये लोग कह रहे हैं तो कुछ नहीं होगा और गोदी मीडिया नहीं बोलेगा इस बात पर। और दोस्तों, इसी पर श्रीराम जी लिखते हैं, यदि अगर हमारे राम या पीएम मोदी, आरएसएस चीफ या हिंदू राजा को गाली दे तो भी ये अंधभक्त कुछ नहीं करने वाले। यही तो कलयुग का बड़ा घोटाला है। हिंदू वही होगा जो फेंकू फेंकू कहेगा, बाकी हिंदू हिंदू नहीं, चाहे वो राम भक्त ही क्यों ना हो।